फॉर्म भरेगा तो आधार लिंक से जैसे ही जानकारी ली जाएगी उसमें पता चलेगा कि ये आदमी का नाम फला देहात में या फला गांव में है। जब तक वो वहाँ पर नाम कार्ड नहीं कराएगा यहाँ पर नया राशन कार्ड उसे नहीं मिल सकता। तो बहुत सारे मसले इस तरह से अटके रहते हैं। बहुत सारे लोगों को अगर नया राशन कार्ड लेना है एमपी जी की जाने से मैंने चुकी गए आज के इस जनाधिकार प्रोग्राम के सदर साहब, सभी मेहमानान और इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम भाई और बहन, मुझे आज से 10 दिन पहले जरा हम इनकम करो भाई, मुझे आज से 10 दिन पहले सिराज भाई ने दावत दी कि आजाद मैदान में एक जन अधिकार के नाम से कोई प्रोग्राम रखा गया है और आपको आजाद मैदान में आना है और कुछ लोगों के मसाइल होंगे उसका जवाब देने का आपको काम करना पड़ेगा। मैं घर से निकल के आजाद मैदान गया, घूम घाम के घूमता रहा और सिराज भाई को लगातार फोन करता रहा। 4-5 मिस कॉल होने के बाद उठाए तो बोले आजाद मैदान में नहीं है, जाओ उसमें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। हम लोग बोलते कुछ है और होता कुछ है, जिसकी जानकारी हम दे नहीं पाते जिसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। मेरे आने के बाद यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने मसाइल रखने का काम किया और मुझे गवर्नमेंट का एक नुमाइंदे की हैसियत से उसको रिप्लाई करने की जिम्मेदारी दी गई। सबसे पहले मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि 60 साल जिंदगी में 45 साल सियासी समाजी काम करते हुए हम लोगों को वक्त गुजरा है, लेकिन जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है, हमारा अनुभव है कि लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है कि लोगों को जो भी चीज़ें होती है जो उनका हक है उससे उनको वाकफियत या उसकी जानकारी बहुत कम होती है। सबसे पहले जो लोग भी इस फील्ड में काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अवेयरनेस पैदा करने का काम करें, लोगों के हकूक क्या है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे और जो अलग अलग वेलफेयर स्कीम है उसको भी लोगों तक अगर हम लोग पहुँचाएंगे, पूरी तरह से लोगों की जानकारी होगी तो कहीं ना कहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन या लोगों के जो हक हैं उसको उन्हें हासिल करने में आसानी होगी। तो लोग अपने मसाइल लेके लोगों के तक जाते हैं तो यहाँ पे आए हुए लोगों के सबके मसले होंगे। कितने लोगों ने लिख कर अपने मसले को आज यहाँ पर लाया है कि भाई आज जो है हम अपना मसला इस फोरम पे ले जाके रखेंगे, ऐसे कितने लोग हैं हाथ उठा के बताओ। मुझे लगता है कि इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लोग जबानी जमा खर्च ज्यादा करते हैं, लेकिन मुल्क जो है वो जबान से नहीं चलता, कागज से चलता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा और सबसे पहले हमको लिखना की शुरुआत करनी पड़ेगी और लिखकर कोई भी अपना मसला किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट में भेजोगे तो वो डिपार्टमेंट में कागज फाड़ के कोई फेंक नहीं सकता। हाँ, ये है कि वो धीरे धीरे चलेगा, हो सकता है कि 20 साल 30 साल तक चलता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो दफ्तरों में जमा रहता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर उस कागज के ऊपर कोई सही माने में कोई मसला एड्रेस नहीं होता है तो मुल्क के अंदर एक कानून बना है राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI जिसको हम लोग कहते हैं। अगर हमने RTI डाला तो ये एप्लीकेशन फला तारीख को मैंने दी थी, इसका क्या फैसला हुआ तो आपको जवाब देना उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई अफसर उसको दबा कर बैठा रहता है और ये साबित हो जाता है कि 5 साल से या साल भर से या 6 महीने से ये मसला फला आदमी के पास पेंडिंग है तो हायर अथॉरिटी के पास कंप्लेन करने के बाद उस पर कार्रवाई हो सकती है। जैसे ही RTI उस सब्जेक्ट की पड़ेगी आपकी फाइल तेजी से दौड़ेगी, इतना आपको समझने का काम करना पड़ेगा।
यहाँ मैंने देखा कि रैशनिंग को लेके बहुत सारे लोगों ने शिकायतें रखी। ये बात सच है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो समस्या है वो रैशनिंग का जो मिनिमम लिमिट तय किया गया है वो आज के जमाने में वो ठीक नहीं है। बिलो पॉवर्टी लाइन का 50,000 से कम सालाना आमदनी का पूरी परिवार का क्राइटेरिया है। अबव पॉवर्टी लाइन का 1,00,000 तक है और जो 1,00,000 से कम कमाने वाले लोग हैं उन्हीं को राशन मिलता है कुछ हद तक, और जो 50,000 से कम कमाने वाले हैं उसको अलग अलग स्कीम में थोड़ी सी ज़्यादा उनको फायदा मिलता है। लेकिन जब तक लोग झूठ जानकारी नहीं देंगे तब तक उसको फायदा नहीं मिल सकता। सबसे पहले लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि हमें ये जो लिमिट है ये बढ़ाकर 1,00,000 और 2,00,000 जब तक नहीं होगा जब तक सही डाटा कोई बनेगा नहीं और सही मामले में किसी को फायदा मिलने वाला नहीं। वही सबसे बड़ी परेशानी है राशन को लेने को लेकर। बहुत सारी जो वेलफेयर स्कीम उससे लिंक की गई है कि 1,00,000 से कम आमदनी वाले जो लोग हैं उनका हेल्थ भी फैसिलिटीज मुफ्त में होगी, और बहुत सारे जैसे आईटीई को लेकर एक बहन यहाँ पर खड़ी थी कि 1,00,000 से कम आमदनी वाले लोगों को हम पूरी तरह से आईटी के अंदर फायदा देने का काम करेंगे, लेकिन सरकार के अंदर अलग अलग लेवल पे स्कॉलरशिप देना है। तो ओबीसी के लिए 8,00,000 की लिमिट, शेड्यूल कास्ट के लिए 8,00,000 की लिमिट, अगर माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप देना है तो उसको 2,00,000 की लिमिट, आरक्षण आपको चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी में है तो 8,00,000 कमाएंगे से कम कमाएंगे तो आपको आरक्षण मिलेगा। तो जो भी परेशानी है ये जो कंफ्यूजन है कि लिमिट कितनी होगी, जब तक स्ट्रीम लाइन ये सारी चीज़ें नहीं होंगी लोगों के मसाइल कहीं ना कहीं अटके पड़े रहेंगे। और उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं सोचकर स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जितनी भी चीज़ें हैं उसको स्ट्रीम लाइन करने का काम करेंगे। लेकिन राशन का मामला जो है वो दिल्ली सरकार के पास है, उसको भी सिफारिश करने का काम करेंगे। यहाँ पर जो लोग भी आए हैं मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके जो जो मसले होंगे लिख कर MPJ के लोगों को दोगे तो हम लोग जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट से जो भी आपके मसले हैं उसको पूरी तरह से भेज के एक बार हमारे दफ्तर से मामला आगे गया तो कम से कम उसको फैसला होगा। वो कागज रुकने वाला नहीं तो आप लिख कर आज हम लोगों को देने का काम करें। और साथ ही साथ में मैं इतना कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान में सबसे बड़ी परेशानी है कि लोग अपने कागजात ठीक से नहीं रखते। जो हमारे गरीब लोग हैं, मैं भी अपने बचपन का दौर याद करता हूँ कि जो भी कागजात रहता था हमारी वालदा या तो उठाकर डब्बे के नीचे डाल देती थी या बहुत इम्पोर्टेंट लगता था तो राशन के किसी डब्बे के अंदर डालने का काम करती थी। और यही हालात पूरे मुल्क के अंदर लोगों के हैं। आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि कागज की लड़ाई पूरे मुल्क के अंदर चल रही है। कागज देंगे नहीं देंगे, कागज लाओ, उस तरह से पूरे मुल्क के अंदर माहौल बना है। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने कागजात को दुरुस्त रखने का काम करें। बच्चा पैदा हो गया तो सबसे पहले उसका बर्थ सर्टिफिकेट निकालने का काम करना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट होगा तब जाके आपको स्कूल में एडमिशन मिलेगा। बहुत सारे लोग अब बच्चे का एडमिशन देना है तब उनको याद आता है कि अरे सर्टिफिकेट नहीं है तो एडमिशन कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग हैं, अभी आज का ज़माना ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी ऐसा है कि पूरी तरह से वो अंगूठा बहादुर है। हमें लगता है उनकी तादाद मुल्क में बहुत कम होगी, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने वाले इस मुल्क के अंदर जो आबादी है उसमें बड़ी तादाद है, वो जो पढ़ लिख सकती है ऐसी आबादी हो गई। तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपको लिखना तय करना पड़ेगा कि आपके जो भी कागजात है आपको ढंग से रखने का काम करना पड़ेगा। और जो भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट हो, राशन कार्ड हो, अब राशन कार्ड को लेकर क्वेश्चन बहुत सारे खड़े हो जाते हैं कि लोग जाते हैं राशनिंग ऑफिस में बोलते हैं हमारा राशन कार्ड बना के दो। लेकिन आधार लिंक सिस्टम होने की वजह से कोई कहीं गांव में राशन अगर लेता होगा यहाँ पर राशनिंग के लिए फॉर्म भरेगा तो आधार लिंक से जैसे ही जानकारी ली जाएगी उसमें पता चलेगा कि यह आदमी का नाम फला देहात में या फला गांव में है। जब तक वो वहाँ पर नाम कट नहीं कराएगा यहाँ पर नया राशन कार्ड उसे नहीं मिल सकता। तो बहुत सारे मसले इस तरह से अटके रहते हैं। बहुत सारे लोगों को अगर नया राशन कार्ड लेना है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक एफिडेविट फाइल करना पड़ता है कि मेरे पास इस मुल्क के अंदर कोई भी राशन कार्ड नहीं है इसलिए मुझे राशन कार्ड दिया जाए। जब तक आप पूरी तरह से दस्तावेज नहीं देंगे तो सर आपको नया राशन कार्ड नहीं दे सकता। सबसे पहले आपको ये समझने का काम करना पड़ेगा। बहुत सारे हुकूक की जब बात हो रही है, अधिकारों की बात हो रही है,
तो सबसे बड़ा हक आपका है, राइट टू इक्वालिटी। हिंदुस्तान में सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब है कि इस मुल्क के अंदर जो भी आदमी है, औरत है, सबसे पहले औरत या मर्द के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी जबान के बोलने वाले पर भेदभाव नहीं होगा, कोई रिलीजन के नाम पर किसी का भेदभाव नहीं हो सकता। तो हमें सबको बराबरी का हक इस मुल्क के आइन ने देने का काम किया है। साथ ही साथ में इस मुल्क के अंदर राइट टू रिलीजन आपको दिया गया है कि आपको अपनी मर्जी से अपना जो भी मजहब है वो आप चुन सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू लाइवलीहुड आपके पास है, राइट टू एजुकेशन का कानून बन गया है, राइट टू फूड सिक्योरिटी आपके पास है। तो बहुत सारे अधिकार इस मुल्क के अंदर हैं। हमें लगता है कि जो भी लोग इसके फील्ड में काम करने का काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी चीज़ें हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मसलों का हल हो सकता है। आप सभी से मेरी इतनी ही गुजारिश है कि जो भी लोग यहाँ पर आए, मुझे लगता है वो अपने मसले लेके नहीं आए। जो यहाँ के लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो कहीं ना कहीं समाज में छोटे हद तक हो या बड़े हद तक हो, कहीं ना कहीं लोगों के बीच के अंदर लोगों के मसाइल हल करने का काम करते हैं। तो मैं आपसे इतनी ही गुजारिश करता हूँ कि आपको पूरी तरह से लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। राशनिंग कार्ड के क्या रूल है उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। यहाँ पर ITI के एडमिशन को लेकर हमारी बहन अगर आई, उसने कहा कि कुछ स्कूल वाले जो मुफ्त में एजुकेशन ले रहे हैं उसे क्लासरूम में अलग बिठाया जा रहा है। अगर इस तरह का कोई भी स्कूल काम करता है तो उस पर पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप अगर सीधे एजुकेशन ऑफिसर को लिखोगे तो हमें लगता है उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। बिना उसे एक्शन लिए वो एजुकेशन ऑफिसर इसी तरह से उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बहुत सारे मसाइल है। यहाँ पे एक भाई यहाँ पे खड़ा था, एक लड़का बोला कि मुझे गैस का बाटला नहीं मिल रहा है। आवास योजना नहीं है, उज्ज्वला योजना है। और उज्ज्वला योजना में आपको गैस मिलता है जिसमें सब्सिडाइज आपको किट और पहले सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती है। लेकिन मोदी जी ने इस तरह से प्रचार कर दिया है कि मोदी जी ने कोई नई स्कीम लाई, हिंदुस्तान में गैस सरप्लस हो गया है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से केरोसिन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का काम केंद्र सरकार की पॉलिसी से हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर गैस होने के बावजूद फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होता कि एक टाइम में वो 950 का सिलेंडर भर ले। फिर रास्ता निकाला गया कि भाई हम 50% की कैपेसिटी का सिलेंडर देंगे आधे दाम वाला। ऐसे भी लोग हैं कि डेली कमाते हैं, एक साथ 450 या 500 रुपया उस फैमिली के पास जमा नहीं होता। ये भी सच्चाई है, कहीं ना कहीं इसको भी हम लोगों ने मानने का काम किया है। महाराष्ट्र सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक केरोसिन लोगों को देना चाहिए और आने वाले दिनों में इस तरह का फैसला होगा। लेकिन हमारा भाई यहाँ पे बोल रहा था कि हम लोग भूखे मर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा आप बोल रहे थे। इस शहर में अगर आपको खाना नहीं है तो शिव भोजन चालू हो गया। 10 रुपये में 50 रुपये की थाली देने का कार्यक्रम भी 26 जनवरी से हम लोगों ने चालू करने का काम किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग उसको आपको जो भी स्कीम्स है वो सारी स्कीम की जानकारी देने के लिए मैं MP जी के लोगों को बोलता हूँ कि माइनॉरिटी रिलेटेड जो भी स्कीम है उसकी जानकारी आपको देंगे। जो शेड्यूल कास्ट की स्कीम्स है, जो स्पेशल कोटा की, उसकी स्कीम की जानकारी देंगे। आदिवासी के वेलफेयर के लिए जो स्कीम है उसकी जानकारी देंगे। रेशनिंग के क्या नाम से उसकी जानकारी देने का काम करेंगे। IT का क्या कानून है, उसके लिए क्या क्या लोगों को करना है। अगर आप पूरी तरह से काम करना चाहते हैं तो कंपाइल करके पूरा डॉक्यूमेंट देने के लिए हम लोग अपनी गवर्नमेंट की तरफ से तैयार हैं। सारे कागजात, सारी किताबें छाप छाप के हम लोग आपको देने का काम करेंगे। आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने का काम करें। आज मुझे यहाँ बुलाया गया, लोगों की उम्मीद थी कि मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। मुझे लगता है वेरियस डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर लिखित सही ढंग से एप्लीकेशन दोगे, अगर वेग एप्लीकेशन रहेगा तो डिपार्टमेंट में जाकर पड़ा रहने वाला है। जो रियल प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर डिटेल लिख के आप देंगे तो मुझे लगता है अगर हम लोगों ने फॉरवर्ड करने का काम किया तो उसके ऊपर बिल्कुल डिसीजन होगा। आपके मसाइल जो कानून के दायरे में होंगे वो हल होंगे, जिसके कानून के दायरे में नहीं होंगे वो मसले कोई चीज़ मांगेगा तो वो मिलने वाला नहीं। ये भी लोगों को समझना पड़ेगा। आज आपने यहाँ पर बुलाया इस उम्मीद से कि लोगों के मसाइल आपके जरिए हल होंगे
पर पूरी तरह से जितने भी मसाइल आपके पास आएंगे आप ला के दो, हम लोग उसे कंसर्न डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करके आपके मसले को हल कराने का काम करेंगे। इसी बात के साथ अपनी व्याख्या करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, जजाकल्लाह। और साथियों, जैसा साथ अभी तक आपने हमको दिया है, मैं ऐसी ही आशा, ऐसा ही भरोसा आपसे रखता हूँ कि बहुत अमूल्य भाषण, बहुत अहम तकरीर अभी हर्ष मंदल साहब की जो